तो पहले मजदूर से क्या बात हुई? सभी अलग अलग थे, जैसे कि अंदर विशेष रूप से जो हमारी शुरू से बात हो रही थी उसमें सबा अहमद, गब्बर सिंह और अखिलेश, तीन इनके जो टीम लीडर थे उनसे लगातार हमारी बात हो रही थी। उसके बाद आने वाले सभी लोगों से लगातार बात हुई है, सभी पूरे देश भर के जितने भी मजदूर भाई उसके अंदर थे सभी को, सभी ने स्वयं ही आकर, चूंकि उनके लिए बहुत ही भावुक क्षण था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने कहा कि हमको किसी परेशानी का कोई सामना नहीं। उनको मैं बता रहा हूँ, उनको उन्होंने ये कहा कि मैंने कहा आप लोगों को अंदर किसी प्रकार की कुछ चिंता तो नहीं हो रही थी? उन्होंने कहा नहीं, शुरू के दिनों में जरूर हमको चिंता हुई, लेकिन उसके बाद से जब आपसे बात हो गई, अन्य सभी लोगों से लगातार कम्युनिकेशन होने लगा, तो हमको पूरा भरोसा हो गया था कि आप लोग हमारी चिंता कर रहे हैं और हम अंदर नहीं रहेंगे, हम बाहर निकलेंगे। सर, मैं सर सवाल ये है कि क्या आप जो जो रेस्क्यू करने गए हैं? नहीं, वो अच्छा प्रश्न पूछा, मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, इन्होंने जो पूछा मैं बताता हूँ। देखिए ऐसा है, नहीं अरे पहले अरे इन्होंने जो पूछा मैं बता रहा हूँ। देखिए ऐसा है, ये सब लोगों ने बैठ के तय किया था कि जो सबसे छोटे होंगे उनको सबसे पहले निकाला जाएगा, और जो टीम लीडर है वो पांच लोग वो सबसे अंत में निकले हैं। तो ये सबसे क्रूशियल मोमेंट कौन सा था? हाँ, एज में और जो भी क्राइटेरिया बनाया गया था। सर, सबको निकाल लिया गया है? सबको नहीं, जिस दिन देखिए ये 16 तारीख को जिस दिन ये अभियान तेजी से चल रहा था और लगभग 24 मीटर के आसपास पहुंच गया था, अचानक वाइब्रेशन तेज होने लगा और मशीन भी अंदर जाकर फंस गई। वो मोमेंट बहुत ही कठिन था, और चूंकि उस दिन मैं एक कार्यक्रम के बाद मैं जैसे ही भोजन करने को जाने वाला था 3:30 बजे, और मुझे जैसे सूचना मिली तो वो मुझे एकदम से बहुत बड़ा मुझे एक झटका जैसा लगा, लेकिन मेरा ईश्वर पर और बाबा बौखनाथ पर पूरा भरोसा था कि वो निश्चित रूप से सबका जीवन बचाएंगे, सबको सुरक्षित बाहर निकालेंगे और उनका आशीर्वाद। और उनका पूछ ले दो, तमाम मजबूर आगे की प्रक्रिया क्या होगी? देखिए अभी उनको अस्पताल भेजा जाएगा, 24 घंटे के ऑब्जर्वेशन रखा जाएगा और उनको घर भेजा जाएगा। देखिए ऐसा है कि अभी वो सारे के सारे एक लंबी, चूंकि हवा पानी और एक अलग वातावरण से बाहर आए हैं, तो अभी जो डॉक्टरों की सलाह होगी उसके आधार पर ही हम लोग काम करेंगे, उसके आधार पर उसके बाद उनको घर भेजना होगा या जो भी करना होगा। पहले मेडिकल सुपरविजन में उनको रखा जाएगा, उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी, उसके बाद आगे की कोई क्रिटिकल तो नहीं है? कोई क्रिटिकल नहीं, सारे सामान। एक मिनट इनको पूछने दो, उसके बाद आपके पास आ रहे हैं। सर, वर्कफोर्स कितना था, कितने लोगों को लगाया हुआ था, खासतौर पर अगर ऑपरेशन की बात करें? कितना बड़ा इन टर्म्स ऑफ नंबर? देखिए अब ये नंबर तो मैं आपको देख के बता दूंगा, लेकिन इसमें जिन जिन लोगों की भी आवश्यकता पड़ी और देश के अंदर और विदेशों में भी जो टेक्नोलॉजी और जो विशेषज्ञ इसके थे, हमने सभी से कंसल्ट किया था और जो सबसे अच्छा रेस्क्यू हो सकता था उस तरफ हम लोग बढ़े, हालांकि कठिनाई आई। जी सर, वो आपको बता देंगे अलग से। और जितने भी लोग लगे यहाँ पे कौन थे? आप थे, आपका हो गया। मंदिर में गए, बीके सिंह भी बाबा बागना के मंदिर में गए। गांव वालों का कहना है कि जब तक मंदिर नहीं बनेगा हम आगे काम नहीं होने देंगे। क्या सरकार, वो पहले ही हम लोगों ने तय कर लिया है कि मंदिर वहाँ पर बनेगा बाबा बागनाथ की कृपा से। गांव वालों से पूछने से पहले ही वो डिसाइड हो गया, डिसाइड हो गया ऑलरेडी। सो मोटो हम लोगों ने एक मिनट बाबा। इस पूरी कड़ी में रैट माइनर्स की भूमिका कितनी अहम थी? वो अंतिम पड़ाव में आए और पूरा ये आपने शायद, मैंने जो सबसे पहले बीच में बोला था आपने शायद उसको ध्यान नहीं दिया, वो उनकी बहुत बड़ी भूमिका थी। दिल्ली जल बोर्ड से भी आए थे, गोरखपुर से भी आए हुए थे, उन लोगों ने मैनुअली जाकर जो काम किया वो बहुत निर्णायक, इस पूरे अभियान को निर्णय तक पहुंचाने का काम उन्होंने भी किया है। सर, मजदूरों के लिए किसी राहत राशि का ऐलान किया गया? कोई समर्थन राशि के लिए? राहत राशि इम्पोर्टेंट है नहीं, सभी समर्थन राशि, राहत राशि। प्रधानमंत्री जी ने ट्वीट किया है, फर्स्ट डे से लास्ट दिन तक वो चुनावी व्यवस्था के बावजूद इस पर मॉनिटरिंग करते रहे, उनकी संवेदनाएं पूरे देश ने देखी है, क्या कहेंगे? मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी का अगर इतना विशेष इस पर अभियान पर ध्यान नहीं होता,
विशेष उनका जोर नहीं होता तो इतना कठिन चुनौतीपूर्ण अभियान इस तरीके से पूर्ण करना आसान नहीं होता। और उन्होंने और अभी भी उनका कितना ध्यान है कि प्रातःकाल जब वो चुनाव अभियान में निकलते होंगे प्रत्येक दिन जानकारी लेते थे और किस प्रकार से रेस्क्यू अभियान को चलाना है उस प्रकार से करते थे। एक तरह से मैं उत्तराखंड का मुख्य सेवक हूँ, मुझे उन्होंने एक काम दिया हुआ था कि किसी भी तरीके से इस काम को सफलता की ओर ले जाना है। आप कोई और है इधर सर, आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना, आपने कब ठाना कि मुझे यहाँ कैंप करना पड़ेगा और आपने लगातार कैंप किया? नहीं, मैं दीपावली के अगले दिन यहाँ आया था और उस दिन के बाद फिर मैं लगातार यहाँ आता रहा बीच में, और एक समय ऐसा आया कि अभियान हमारा बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा था, फिर बीच में रुका। जब बीच में अभियान रुका तो उसके बाद मैंने तय किया कि जब तक ये अभियान पूरा नहीं होगा मैं सारा कामकाज यहीं पर रुककर करूंगा, कामकाज भी करूंगा और इस अभियान को भी पूरी तरह से देखूंगा। एक मिनट नहीं, राहत राशि के लिए देखिए, राहत राशि के लिए हमने अभी सभी श्रमिक भाइयों के लिए अपने उत्तराखंड राज्य की तरफ से 1-1 लाख रुपए की जो है व्यवस्था की है, 1-1 लाख रुपए की जो है कल हम उनको सभी को चेक सौंपेंगे और भी जो सहायता होगी वो करेंगे। और NHAI DCL जिसमें वो सभी लोग काम करते हैं उनसे भी हम अनुरोध करेंगे कि उस हमारे इन श्रमिक भाइयों को जो 41 हैं उनको जो है कुछ दिनों के लिए 15 दिन 20 दिन या 1 महीने के लिए सशर्त सवेतन उनको जो है उनके घर जाने के लिए और रहने की जो है अनुमति दे दें। धन्यवाद सर। एक मिनट इनको पूछ लेने दे भाई। सर मे बी इन टर्म्स ऑफ द कॉस्ट जो भी लगी या वर्कर्स और दूसरा क्या एयरलिफ्ट करने की बात आ रही है, नॉट फॉर मेडिकल बट घर जाने के लिए? अभी देखिए, सबसे पहले अभी सभी लोग बिल्कुल जो भी अभी चेकअप हुआ है आने के बाद उनका ब्लड प्रेशर चेक हुआ है, अन्य जो भी जरूरी जो शुरुआती जो लक्षण होते हैं वो किसी प्रकार के किसी भी कमजोरी के या किसी थकावट के किसी बुखार के कोई भी लक्षण उनके अंदर नहीं है, सारे के सारे स्वस्थ हैं। और इतना बताऊं कि जब उनके लिए अंदर स्ट्रेचर की व्यवस्था की थी कि वो स्ट्रेचर से आए, उसमें स्ट्रेचर पर नहीं आए, सारे लोग क्रॉलिंग करके आए हैं, तो वो सब स्वस्थ हैं और अच्छे तरीके से थे। इसलिए पहला सवाल जो मेरा था, हाँ, एक मुझे हम लोग को मैग्नीट्यूड समझा दीजिए कितना बड़ा ऑपरेशन था, मे बी इन टर्म्स ऑफ कितना कॉस्ट आया या फिर इन टर्म्स ऑफ कितना वर्कफोर्स। अब देखिए, अभी तो पहले कॉस्ट को देखते कि हम लोग पहले उनके जीवन को सुरक्षित बचाते या उनको बाहर निकालते, हमारी पहली प्राथमिकता थी कि कॉस्ट कितनी भी लगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि किसी भी कीमत पर सबको सुरक्षित बाहर निकालना, ये हमारी प्राथमिकता थी। जदि आपणको आम भिडियोटी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।